खरगोन जिले के भगवानपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम करही में एक 7 वर्षीय बच्ची को नदी में नहाते समय जहरीले जानवर ने काट लिया, जिससे बच्ची की हालत बिगड़ गई। बच्ची को बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल लाया गया। मिली जानकारी के अनुसार 7 साल की बच्ची रूपाली पिता आशाराम उम्र 7 साल नहाने के लिए बच्चों के साथ नदी पर गई थी। इस दौरान अज्ञात जानवर ने काट लिया और बच्ची के मुंह से झाग निकला और बेहोश हो गई, जिसे उपचार के लिए भगवानपुरा लाया गया, जहां हालत खराब होने से उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। बच्ची को लाए, क्या हालत है इसके? बच्ची को भगवानपुरा के पास करही गांव से लाए। बच्ची अचेत अवस्था में आई थी। उसको बताया जा रहा है कि किसी अज्ञात जानवर ने काटा है। वो सांप का जहर मान के ट्रीट कर रहे हैं। अभी ऑब्जर्वेशन में रखा है, होगा कुछ ना तो। क्या अभी हालत क्या है? अभी एक बेहोशी की हालत है। क्या नाम सर आपका? मेरा डॉक्टर विकास तिवारी। क्या नाम है आपका? प्रवीण पाटिल। ये क्या घटना हुई थी बच्ची के साथ? अभी लेके आए आप? बच्ची नहाने गई थी नदी पे, 3-4 बच्चे और साथ में थे, तो साइड में चल रही थी तो उसको कुछ जानवर ने काटा। इतना कंफर्म नहीं है कौन सा जानवर हो सकता है। बाकी बच्ची को बेहोश अवस्था में पीएससी भगवानपुरा लाया गया था। वहाँ से उन्होंने डॉक्टरों ने रेफर कर दिया जिला अस्पताल के लिए। अभी तो कंडीशन बढ़िया लग रही है बच्ची की। कहाँ का मामला है ये? भगवानपुरा क्षेत्र का है, करियापुरा कसा करियापुरा गांव की बच्ची है। करी की। क्या नाम है आपका? प्रवीण पाटिल। आप कौन? क्या एम्बुलेंस चला? हाँ, टेक्नीशियन उस पर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।